निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान कई मिटत नहीं है कसूर। आदरणीय निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, मेरे सम्मानित शिक्षकों व प्यारे सहपाठियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं माही कक्षा 9वीं की छात्रा आज हिंदी दिवस पर अपनी प्रस्तुति देना चाहती हूँ। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा विविध संस्कृतियों वाला देश है। विभिन्न धर्म परंपराओं और भाषा में विविधता के बावजूद यहाँ के लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारतवर्ष की सबसे प्रमुख भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की भाषा हिंदी है। तभी से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज दुनिया के अनेक देशों में हिंदी भाषा भाषियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। अगर मैं हिंदी की लिपि देवनागरी की बात करूं तो यह लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि मानी गई है, जिसमें हिंदी भाषा का उच्चारण ठीक उसी तरह होता है जिस तरह वह लिखे जाते हैं, जिससे हिंदी भाषा का सीखना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। आज हिंदी विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुकी है। आज ही की तरह 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। दोनों का ही उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। सभी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करते रहना चाहिए व उसके उत्थान व विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को बोलने पर गर्व महसूस करना चाहिए। अंत में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तान की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।